नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। जी हां दोस्तों, आज मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना के बारे में जानकारी लेकर आई हूं। इसी तरह से मैं जो उनके बारे में घोषणाएं निकलती रहती है वह मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाती रहती हूँ। तो दोस्तों, आज भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संबंधित यह मेरी योजना की जानकारी है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई थी और यह पूरे भारत में भी की जा सकती है। दरअसल पोषण आहार और ऑक्सीजन संयंत्र सहित उचित मूल्य दुकानों के संचालन में अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने बड़ी तैयारी की है। राज्य शासन की तैयारी के मुताबिक राज्य आजीविका मिशन की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें गार्ड की नौकरी के लिए भी तैयार किया जा रहा है। वहीं 30-30 महिलाओं के दो बैच तैयार किए गए हैं जिसका प्रशिक्षण इसी महीने पूरा हो रहा है। साथ ही जो मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है। ग्रामीण इलाके में आई महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें विकास के मार्ग पर लाया जाएगा ताकि वह आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हो सकें। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बड़ी भूमिका है। समूह से जुड़ी महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में काम संभालने के लिए दिया जा रहा है। इससे पहले 7 पोषण आहार संयंत्र की सुरक्षा का जिम्मा भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपा जा चुका है। दरअसल अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सुरक्षा गार्ड के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए दो बैच के लिए 60 महिलाओं के नाम मांगे गए थे। 10 फरवरी के तीसरे सप्ताह में दो बैच का प्रशिक्षण पूरा हो चुका था जिसका 90 दिन पूरा हो गया। वहीं महिलाओं को 7 जिलों में संचालित सरकारी पोषण आहार संयंत्र में भेजा जाएगा जहां 3 महीने महिलाएं कामकाज का बारीकी से अध्ययन करेंगी। उसके बाद प्रशिक्षण की तैयारी शुरू की जाएगी। इस बारे में राज्य आजीविका मिशन के प्रबंध संचालन का कहना है कि महिला का सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण देना अनिवार्य है जो बस तैयार है इस पोषण आहार संयंत्रों में लगाया जाएगा। इसके बाद आने वाले बैच के अन्य स्थान तलाशी जाएगी। इसके लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा गार्ड तैयार होने पर उन्हें मैनेजमेंट के लिए अलग से कई बनाई जाएगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, यह रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बारे में बड़ी खबर। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए मनरेगा मेट, स्वयं सहायता समूह, आशा बहन, बीसी सखी, अन्य लोगों, ग्रामीण से जुड़ी हुई हर जानकारी को लेकर आती रहती हूँ। और आप मेरी जानकारी से, मुझे लगता है मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलता होगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल से आप लोग लाभ लेते रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।